हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का योगीराज एजुकेशन अब में। दोस्तों, आज है 10 मार्च 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार जारी की गई वर्ष की 100 महानतम महिलाओं में किन दो भारतीय महान नारियों को शामिल किया गया है। तो इसके अंदर शामिल किया गया है इंदिरा गांधी और अमृता कौर को, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों, ये हैं इंदिरा गांधी, जिनको 1976 वर्ष 1976 के लिए, और राजकुमारी अमृता कौर, जिनको वर्ष 1947 के लिए सदी की 100 महानतम महिलाओं के अंदर शामिल किया गया है। तो पिछली शताब्दी की एक लिस्ट जारी की गई है जिसके अंदर 100 महानतम महिलाओं में शामिल किया गया है इंदिरा गांधी और अमृता कौर का नाम। तो पूर्व भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी अमृता कौर का नाम टाइम पत्रिका ने पिछली शताब्दी में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया था। टाइम ने कौर का नाम वर्ष 1947 और इंदिरा गांधी के लिए वर्ष 1976 का वर्ष रखा। तो अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट अध्ययन के अनुसार 153 देशों के सर्वेक्षण किए गए देशों में एकमात्र देश कौन सा है जहां आर्थिक लैंगिक अंतर राजनीतिक अंतर से बड़ा है। दोस्तों, आर्थिक लैंगिक अंतर जहां राजनीतिक अंतर से बड़ा है, तो ऐसा देश है दोस्तों अपना भारत, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी UNGC भारत के अध्ययन के अनुसार 153 सर्वेक्षण वाले देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आर्थिक लैंगिक अंतर राजनीतिक खाई से बड़ा है, यानी जहां पर राजनीतिक भेदभाव से ज़्यादा आर्थिक और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 2006 में 34% से घटकर अभी 2020 के अंदर 24.8% हो गई है। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए किन स्थानों को नामित किया है। तो भारत सरकार ने दोस्तों हाल ही में 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए धोलावीरा और दक्कन को शामिल किया है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी, उपयुक्त दोनों, धोलावीरा और दक्कन सल्तनत, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो धोलावीरा और दक्कन सल्तनत एक स्मारक और किले, यहाँ पर धोलावीरा यह है गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है धोलावीरा, इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर हैं। धोलावीरा शहर जो है ये लोथल से भी पुराना है, लोथल जो प्राचीन स्थल है गुजरात के अंदर, और इससे भी पुराना है धोलावीरा, यह भी गुजरात में है। और धोलावीरा की अनूठी विशेषता इसकी जल संरक्षण प्रणाली है। दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, दक्कन सल्तनत में 5 प्रमुख राज्य थे, यह दक्कन के पठार में विंध्य श्रेणी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक एक पुस्तक जारी की है। दोस्तों, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियनशिप नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है हाल ही में नई दिल्ली में, यह विमोचन किया है स्मृति ईरानी द्वारा, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, और ये इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो बात करते हैं हम दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। लोकसभा सीटें यहाँ की 7 लोकसभा सीटें, राज्यसभा की यहाँ पर 3 राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों, विधानसभा की 70 विधानसभा सीटें हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, चापचरकूट सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है। दोस्तों, चापचरकूट सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है, ये मनाया गया है दोस्तों मिजोरम में, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। तो अब बात करते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल। गवर्नर है यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री यहाँ के जोरम थंगा। और लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें एक एक हैं दोस्तों यहाँ पर,
मात्र एक लोकसभा सीट है मिजोरम में और एक राज्यसभा सीट है मिजोरम में। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के मुरलेन फोंगपुई ब्लू माउंटेन, ये यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है T20 महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों T20 महिला विश्व कप का खिताब जीता है, ये अभी जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारतीय महिला टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड पांचवीं बार महिला T20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल में पहुंचने वाली भारत को 99 रन पर आउट करके 85 रन से बड़ी जीत हासिल की। तो दोस्तों पहले बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया ने और बाद में भारत को 99 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, और इसी के साथ ये खिताब जीत लिया ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है हाल ही में भारत को किस संगठन के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों भारत को हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर आयोग यानी IOC इंडियन ओशियन कमीशन जो है इसका पर्यवेक्षक बनाया गया है भारत को। तो भारत को हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार किया गया है। एक पर्यवेक्षक के रूप में भारत के IOC यानी इंडियन ओशियन कमीशन में शामिल होने का रणनीतिक महत्व है, यानी इसकी बहुत बड़ी राजनीतिक महत्व है क्योंकि आयोग पश्चिमी अफ्रीकी हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्थान है। इंडियन ओशियन कमीशन एक अंतर सरकारी निकाय है जो 1984 में पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, यानी इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसमें मेडागास्कर, कोमोरोस, ला रियूनियन यानी फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र, मॉरिशस और सेशेल्स इसके अंदर शामिल हैं। तो भारतीय महासागर आयोग जो है इसके सदस्य हैं ये सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस और रियूनियन द्वीप क्षेत्र में फ्रांस का विदेशी क्षेत्र, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और IOC के पास अब तक चार पर्यवेक्षक हैं, चीन, माल्टा, यूरोपीय संघ और ला फ्रेंकोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और अभी इसका पर्यवेक्षक बनाया गया है भारत को। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चंस। अगर आपके वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल योगीराज एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जैसे ही आपको नए वीडियोज मिलेंगे हाथों हाथ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।